इसको बनाने के लिए हमें लेना है लो पास फिल्टर, सब वूफर बोर्ड, 4440 बोर्ड, ब्लूटूथ पैनल और टेस्टिंग के लिए कोई भी स्पीकर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहता हूँ। तो ये दोस्तों, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने इस वाले सब ऊपर बोर्ड का जो है यूज़ किया था, और इसके अपना मैंने दो वीडियो बनाए हुए हैं। एक जो है वीडियो मैंने यहाँ 12 वोल्ट पर चलाया इसको, और एक जो वीडियो है 5 वोल्ट पर इसको बनाया है। तो दोस्तों, आप वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी हम क्या करने वाले, इस तरीके से दूसरा जो है सब ऊपर बोर्ड यहाँ से मैंने लिया है, ये बोर्ड मैंने ऑनलाइन मंगाया है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर जो है दो यहाँ पर जो है पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं। तो एक बार मैं इनके नॉब हटाकर दिखा देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गेन लिखा है, यानी कि ये जो है हमारा वहाँ से मेन वॉल्यूम कंट्रोल होगा, और ये वाला जो है यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होगी, जिससे जो है हमारा बेस इफेक्ट कम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना है, यानी कि हम डायरेक्ट इसको ट्रांसफार्मर से आउटपुट दे सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनपुट आउटपुट जो है वॉल्यूम का यहाँ पे जो है कनेक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वायर सॉल्डर कर लेंगे इनपुट आउटपुट के। तो एक बार मैं आपको इसके वायर कनेक्शन कर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो है ये जो हमारे आउटपुट है, और ये जो है ऑडियो इनपुट का है, जो हम यहाँ पे ब्लूटूथ पैनल कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए जो है दोस्तों, यहाँ पे मैंने तीन में से दो वायर यहाँ पे कनेक्ट किया है, एक ग्राउंड का और एक मेन का। तो अभी हम यहाँ 4440 से इसका कनेक्शन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है पॉजिटिव नेगेटिव है 12 वोल्ट का। तो इसको हम यहाँ पे सिंपल इस वायर को कनेक्ट कर लेंगे सप्लाई देने के लिए, और उसके बाद में जो है ये जो ऑडियो आउटपुट का जो है दो वायर, एक ग्राउंड वाला वायर है और एक मेन है। तो हम पोटेंशियोमीटर के इस वाले लास्ट वाले जो कॉमन पिन है, यहाँ पे जो ग्राउंड वाला वायर है, तो यहाँ पे हम ग्राउंड वाला वायर सॉल्डर कर लेंगे, और दूसरा जो वायर है मेन वाला, हम दोनों में से किसी भी एक साइड पर इसको कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, ये कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम ब्लूटूथ पैनल के साथ इसका कनेक्शन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 वोल्ट का हमारा जो सॉकेट है, वहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेंगे, और ऑडियो का भी सॉकेट जो है हम यहाँ पे लगा लेंगे। ऑडियो वायर भी हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, सारे कनेक्शन जो है लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हमें जो स्पीकर कनेक्ट करना है, तो हमने जो देखिए दोस्तों, इस वाले आईसी को यहाँ पे एक ऑडियो इनपुट को कनेक्शन दिया है सबवूफर का। तो हम इसी वाले आईसी पर जो है स्पीकर कनेक्ट कर लेंगे। तो स्पीकर यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से 100 वाट का 8 इंच का वूफर लिया है। तो इसको यहाँ पे हम सॉल्डर कर लेंगे, और उसके बाद में जो है इसको हम 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे देंगे, और इसका जो है अच्छी तरीके से टेस्टिंग लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट सप्लाई इसको दे दिया है। ब्लूटूथ पैनल भी स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे कि मैंने कनेक्शन बताया, तो देखिए दोस्तों, सप्लाई इसको आ गया है। यहाँ से हम वॉल्यूम थोड़ा सा सेट कर रखते हैं, और मोबाइल से कोई सॉन्ग प्ले करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्पीकर वर्क कर रहा है, कैमरे में आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है मेन वॉल्यूम जो है, जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे इसका जो है आउटपुट भी बढ़ जाता है, और ये फ्रिक्वेंसी कम करते ही इसका बेस इफेक्ट कम हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है स्पीकर ये, यानी कि ऑडियो आउटपुट की अगर बात करेंगे तो इस वाले सब ऊपर बोर्ड का भी जो है आउटपुट अच्छा है काफ़ी, इसमें से भी जीरो वॉइस है, और बेस इफेक्ट काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।